अस्सलाम वालेकुम मेरी उम्र के नौजवानों। तो भाइयों, कल मेरा भाई मूवी देखने गए थे जवानी फिरनानी, और एज ऑलवेज हम स्टाइल के गुरु हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सा उससे स्टाइल, उस मूवी में स्टाइल बहुत ज़्यादा कमाल का था, तो आज हम बात करने जा रहे हैं जवानी फिरनानी से कुछ स्टाइल के बारे में। तो हम बात करने जा रहे हैं जवानी फिरनानी पे, कमाल की मूवी, कमाल का स्टाइल, हाईली रिकमेंडेड। लेकिन अब हम बात करेंगे मूवी के चार मेन करेक्टरों पे, जो हैं शहरी, परवेज, शेख और राहत। जो शहरी है वो प्ले किया है हुमायूं सईद साहब ने, जो राहत है वो फवाद मुस्तफा ने प्ले किया है, और जो पीपी है परवेज है वो हमारे अहमद अली भट्ट साहब ने प्ले किया है, और जो शेख है वो मेरे ख्याल से वासिफ चौधरी, या वासिफ चौधरी साहब ने प्ले किया है। बाय द वे, मेरा फेवरेट जो करेक्टर है वो हुमायूं सईद साहब का है, क्योंकि यार शहरी जो करेक्टर है उसने क्या कमाल कपड़े पहने हैं, ना उसको ज़्यादा क्लासिक है ना वो ज़्यादा कैजुअल है, उसने एक परफेक्ट समय क्लासिक आउटफिट बनाई, और क्या मैं बता नहीं सकता क्या कमाल कपड़े थे। तो भैया तो वीडियो के सामने थ्रू आउट पूरी मूवी से स्टाइल टिप्स लेंगे, अकेले के लिए बने पूरी मूवी से स्टाइल टिप्स लेंगे। तो पहले हम बात करने जाएं तो इसी मूवी की क्लासी और सेमी क्लासी। तो गाइस, पहले तो मैं फहद मुस्तफा का लूंगा, तो जो उस मूवी में उसकी एंट्रेंस होती है ट्रेलर में भी, मूवी के शुरू में जो एंट्रेंस होती है राहत की, उसमें उसने जो क्या कमाल की लुकी हुई थी, समय क्लासिक लुकी हुई थी उसने। तो आप जिस तरह देख सकते होंगे स्क्रीन पे कि राहत ने ऊपर एक ब्लू ब्लेजर पहना हुआ, और वो भी कोई आम ब्लेजर नहीं पहना, फोर बटन वाला बहुत यूनिक काइंड का ब्लेजर पहना हुआ, इसका नाम मुझे नहीं पता, सॉरी गाइस। और उसके नीचे उसने एक वाइट जीन्स पहने हुए, उसके नीचे एक बहुत कमाल के लोफर्स पहने हुए, मुझे उन लोफर से प्यार है, और उसके साथ ही ब्लेजर के नीचे उसने एक वाइट बटन शर्ट भी, इसके साथ साथ उसने क्लासी लुक के साथ साथ भी एक कलर ब्लॉक किया हुआ है, दो बहुत कमाल की चीज़ों को मिलाया हुआ है। और उसके टॉप पे बहुत कमाल की लुक थी, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब हम दूसरी लुक के बारे में बात करेंगे, दूसरी लुक भी राहत की ही है, जो एक सेमी क्लासिक लुक है, वो बहका रे गाने में उसने बहका रे, बहका रे, दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर डोलने लगा। जो लुक है वो है पिंक बटन अप शर्ट, ऊपर एक स्वेटर वेस्ट, ग्रे स्वेटर वेस्ट, ग्रे नीचे उसने चिनोस पहने हुए हैं, और नीचे यू कांट बिलीव इट अ पिंक स्वेडेड स्नीकर, एंड पिंक एंड व्हाइट, और पिंक और व्हाइट उसमें इस कलर किया कि कलर ब्लॉक किया, क्या किया कि उसने एक लाइट और एक नॉन कलर को कलर ब्लॉक किया। गाइस इतना कमाल, मैं कहता हूँ मैं एक दो हिल गया था ये लुक देख के। मैं आपको इससे मैं आपको इंस्पिरेशन लेकर आप ऐसी लुक्स बनाएं कि स्वेटर्स, अब लड़के हम स्वेटर वेस्ट इन चीज़ों से डरते हैं, नहीं लेते, तो कहते हैं फेमिनिन होती है ये। मैं वो कह रहा हूँ कि देखिए उसने एक पिंक कलर के साथ एक वही स्वेटर को लेके कितना कमाल का लग रहा है। तो भैयो अब बात होगी जरा अंग्रेजी क्लासिक कपड़ों पे, अब तो थोड़ा देसी चीज पे आते हैं, देसी कपड़ों पे आते हैं। तो पहले मैं वो तो देसी क्लासिक इस तरह की, मैं एग्जांपल लूंगा लोर तेरे ते जो गाना है, ओ दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी। तो आप इस गाने में देख सकते हो कि शायरी ने एक सिंपल ब्लैक वाइट सॉरी वाइट सलवार कमीज के ऊपर एक ब्लू वास्केट पहनी है, कमाल की लुक करती है। पर्सनली मुझे ये लुक बहुत अच्छी लगती है कि एक सिंपल वास्केट, एक सिंपली उसने बहुत क्लासी लुक की हुई है, आई रियली लव इट। तो इसी तरह मैं आपको बोलूँगा कि आप इसी तरह कलर को, और सबसे मुश्किल बात है कि एक लाइट कलर को लाइट कलर से कॉम्प्लीमेंट देना, और सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं जब लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं। मैं आपको बोलूँ आपको इस लुक से ये सीखने को मिलता है कि किस तरह एक लाइट से लाइट कलर को मैच करती है, और किस तरह उसने अपनी वास्केट में पॉकेट हैंगर डाली, बिल्कुल फुल्की कलर की डाली, पिंकिश टाइप ऑफ कलर की डाली, तो बहुत अच्छी लगती है। अब इसी जगह अगर वो व्हाइट या ब्लू डाल देता या उनका कोई और शेड डाल देता, मज़ा नहीं करता, एक अजीब लगता। पॉकेट हैंगर हमेशा दोनों आउटफिट से चेंज कलर की होनी चाहिए, पॉकेट हैंगर एक फंकी अच्छी लगती है हमेशा। अगर आपके सिंपल कलर क्लोज है ना तो फंकी डालने का, फंकी कलर क्लोज है ना तो आप क्लासी पॉकेट हैंगर कलर की डाल दें तो वो अच्छा, तो बहुत कमाल का लगता है। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने एक ब्लैक सलवार कमीज से सिंपल ब्लैक सलवार से हल्का सा परवाना डाल के एक लुक को इन्हेंस कर दिया, कलर ब्लॉक भी काइंड ऑफ हो गया, सिल्वर बटन इसके ये सिल्वर है और ये सिल्वर मैच कर रहा है, और ये काफ़ी क्लासी लुक भी हो गया। देखें अभी ये सिंपल और ये थोड़ा सा चिकना माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम आते हैं जो थोड़ी सी ओल्ड क्लास पे, जो आप शादियों पे लुक कर सकते हैं,
इन्होंने एंड में गाने पे शराहत ने और शहरी ने शिरवानी पहनी थी। शिरवानी और दो मूवी जितनी भी शिरवानी पहनी काफी कमाल की शिरवानी पहनी। पहले तो जो राहत है शिरवानी पहनती, मुझे शिरवानी बहुत पसंद आई है। फिर से उसने वो सूट ली बात की, कलर ब्लॉक के साथ साथ एक कमाल की लुक की है। उसने ऊपर एक मेहरून शिरवानी पहनी हुई थी बहुत सेक्सी। उसमें मजा भी चीज लगती है उसकी शिरवानी के लेफ्ट पे ना आर लिखा हुआ, तो उसके नाम का इनिशियल राहत। वो मुझे बहुत सेक्सी लगा और बहुत एक रिप्रेजेंट करती है बात को। नीचे उसने व्हाइट पटियाला शलवार पहनी हुई है और उसके नीचे उसने कोई कमाल के लोफर्स, लोफर्स आर द बेस्ट। इससे एक बार मैंने देख के रहा से कि उस थ्रू द मूवी लोफर्स पहनी है। लोफर्स का सबसे बड़ा ये फायदा है कि यू कैन ड्रेस एम डाउन, यू कैन ड्रेस एम अप। अब उसको शलवार के साथ पहन सकते हो लोफर्स का, लोफर्स को सूट के साथ पहन सकते हो, यहाँ तक कि आप लोफर्स को शॉर्ट्स के साथ ही पहन सकते हो, लोफर्स को डेनिम के साथ ही पहन सकते हो, आप लोफर्स को किसी भी चीज़ का पहन सकते हो। तो अगर आपको एक जूता चाहिए तो लोफर पहनो और अच्छे लगो। और शेरवानी पर जब फिर से आता हूँ, शेरवानी सब देखते हैं फिटिंग उसे कितनी कमाल की। खुली शेरवानी अच्छी लगती है, शेरवानी की फिटिंग होनी चाहिए शोल्डर से अच्छी होनी चाहिए, लूज भी होनी चाहिए, शेरवानी के बटन अच्छे होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए। और शेरवानी मैं बोलूँगा कलर लोगों से शेरवानी भी परवाना पहना, कुछ लोगों से परवाना पहना था, मजा नहीं होता शेरवानी परवाना। तो अब आते हैं हम शहरी की शेरवानी पर। शहरी ने एक बड़ी मजा शेरवानी पहनी थी, एक डबल बटन वाली काइंड जो सूट नहीं होते वो किंग्स मैन जो पहनते उस तरह की शेरवानी थी, कहना देसी सूट। वो मुझे बहुत मजेदार लगा यार, कितना यूनिक था मजा। मैंने नीम आशा को भी किसी को वैसी शेरवानी पहनते हुए नहीं देखा और मुझे बहुत मजेदार लगी है। तो इस शायरी ने एक वही डेविड बेकहम की बात कर दी कि उसने अपनी शेरवानी इतनी यूनिक शेरवानी दी कि उसने दूल्हे को ड्रेस डाउन कर लिया, दूल्हे से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ तक कि कुछ लोग यही बोलते हैं कि दूल्हा लग रहा तो वो है, दूल्हा शादी पे कौन बैठा हुआ है, बहुत कमाल का लग रहा। तो वो मुझे बड़ी मजा लगे बटन अप। और उसकी मुझे तस्वीरें मिली वही शेरवानी हुमायूं सेन ने एक और फंक्शन पाई थी, मैं उसकी तस्वीर साइड पर लगा रहा हूँ। तो ये वीडियो मूवी की नहीं है पर वही सेम शेरवानी है ये शेरवानी, तो देख लें और बहुत कमाल के। तो गाइस एंड में ये बोलूँगा, अगर आप किसी शादी पे सबसे अच्छे दिखते हैं तो दूल्हे से भी अच्छे दिखना चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो करें इस तरह की, दोनों की तरह की शेरवानी पहने बहुत सेक्सी लगेंगी, या फिर इससे इंस्पायर होकर अपने फ्लेवर डाल के शेरवानी पहने बहुत अच्छी लगेगी। शेरवानी इज़ अ ग्रेट और बहुत देसी लुक आती है। और भाइयों फिटिंग ना भूलना, इन दोनों जितनी अच्छी फिटिंग करना या फिर इससे ज़्यादा अच्छी फिटिंग करना। तुम दोनों ने मुझे पंप कर, तुझे तो पंप कर दिया लेकिन हमारी अपनी मोटर सड़क। अब हम अब आ रहे हैं जो मूवी की सबसे सेक्सी लुक है, बड़ा पीस तो बड़ा टैग उसमें वो है जो बहकारे गाने में जिसमें उन्होंने किया है, आप देख सकते हैं स्वेटर्स एंड पी कोट्स एंड एक्सेट्रा। तो गाइस हम पहले आएंगे लेरिंग में, किस तरह उन्होंने पी कोट पहना है। गाइस पाकिस्तान मुझे ये सबसे बड़ा दुख है, मुझे रोना आता है पाकिस्तान में कोई पी कोट नहीं पहनता यार। मेरे पास पी कोट नहीं है लेकिन पी कोट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ हर लड़के के आउटफिट में एक पी कोट होना बहुत जरूरी है। मुझे पता है भैया आप लोग क्या सोचे होंगे कि यार ये तो पी कोट, ये महंगे कोट अमीर लोग पहनते हैं, हम गरीबों के पास कह रहे पैसे हैं। और आप कह रहे हो उस्मान भाई कुछ करो यार, कुछ करो, ये नहीं करना यार, लंडे जाओ, लंडा बाजार किस लिए बना है यार, गरीबों के लिए तो बना है लंडा बाजार, लंडे बाजार में जाओ यार। आपको मैं 1000 रुपये का 2000 रुपये का एक अच्छा कोट या पी कोट भी मिल जाए। और दूसरी इसमें बेस्ट ऑप्शन ये कि अपने किसी बड़े भैया किसी अंकल के पास होते हैं कोट वगैरह जो दे रहे हो, उनको छोटे उच्च ने वेट लॉस किया हुआ या वेट गेन कर लिया तो आप वो लो और उसकी थोड़ी सी टेलरिंग करा रहा हो, खुला डुला है तो फिर टेलर कर लो, आपको सस्ते में एक अच्छा कोट मिल जाएगा यार। नेवर फेयर एंड मॉडर्न मेजर हेयर। और गाइस अगली चीज़ है जो उनकी पूरे आउटफिट को एनहेंस करती है, पी कोट को एनहेंस करती है, वो है मफलर। गाइस मफलर एक खाली सिंपल मफलर एक पी कोट एक किसी भी चीज़ के ऊपर पहनने से आप पूरी आउटफिट को एनहेंस कर सकते हैं, आपके आउटफिट कितना ही बढ़ा दें बता नहीं सकता। मतलब कि सिंपल मफलर आप इस तरह नॉट बना लें या सीधा मफलर डाल लें किसको भी, और मफलर आपकी ना आउटफिट को एक डेफिनेशन देता है, एक एनहेंस करता है, एक सिंपल सिक्स आउटफिट को 10 पे ले जाता है। तो इस मूवी से हम ये सीखते हैं कि हमें विंटर में मफलर को यूज़ करना चाहिए। और भैया सिर्फ एक्सेसरीज पे सिर्फ मफलर वगैरह नहीं आते हैं, आप समर भी काफ़ी अच्छी एक्सेसरीज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो शायरी था उसे थ्रू आउट द मूवी एक ब्लैक ब्रेसलेट बड़ा सा पहन के रखो, काफ़ी अच्छा लगा है। मैं आपको हमेशा पिछले हर वीडियो में बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि अपना कोई सिंबल एक्सेसरी का बना लो, कोई भी चीज़ हो सकती है, ग्लासेस, घड़ी, कोई ब्रेसलेट, कोई नेकलेस, कोई भी चीज़ हो सकती है। एक्सरसाइजेशन ये 5 चीज़ है गाइस जो आपकी एक आम हर बंदा एक आम बंदा अच्छे कपड़े पहन सकता है, एक ही जगह से खरीद सकता है, पर एक्सरसाइज ये जो एक आम बंदे और एक स्टाइलिश बंदे को अलग करती हैं। एक्सरसाइज बताती है कि आप क्या हो, आप क्या चीज़ है और आपको काफ़ी रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह की एक्सरसाइज पहनते हो, आप यूनिक रहते हो, यूनिकनेस पर आती है। अब एक्सरसाइज पे बेल्ट आती हैं, ब्रेसलेट्स आती हैं एक्सरसाइज पे, घड़ियाँ आती हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज पे नेकलेस भी आते हैं। नेकलेस एक काफ़ी अच्छी भी है पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा नेकलेस से इस तरह करके ना पहने बहुत बेहतर है। नेकलेस कुछ पाए एक हल्का सा शो, एक हल्की सी लुक मज़ेदार लगती है, एक हल्का सा फ्लेवर शो होता है मज़ेदार लगता है। और एक्सरसाइज पे ऑफकोर्स ग्लासेस भी आती है, मैं बोलूँ ग्लासेस से बेस्ट है एक्सरसाइज की
अगर आप सन ग्लासेस पहनते हो तो आप बैड बॉय लगते हो, अगर आप मेटाइन ग्लासेस पहनते हो तो यंग बॉय लगते हो और सर शरीफ लगते हो. तो ग्लासेस इज द ग्रेट एक्सरसाइज, यू विल लुक ऑसम. और अब गाइस अब आते हैं थोड़े कैजुअल वेयर पे. अब जो क्या नाम है वासिफ चौधरी साहब का करेक्टर था शेख, पकड़ लिया स्वीट नहीं बकायदा मीट, उसने मूवी में ना बहुत फंकी शर्ट पहनी है, दैट फंकी समरी पैटर्न एंड दैट, मतलब वो एक एक इससे भी बंदा स्टाइलिश नहीं था, उसकी फिटिंग अच्छी नहीं थी, पर उसे पूरे आम आउटफिट में ना एक ओके आउटफिट में एक फंकी शर्ट डाल के उसको कमाला कर दिया था. इससे आप सीखते हैं कि आपकी एक आम आउटफिट है कि सादी आउटफिट है, उसमें आप एक जैसा ये मेरी स्वेडेड पॉमर है इसे कुछ फंकी चीज़ को स्वेडेड कुछ अलग चीज़ डाल के ना आप उसको इन्हेंस कर, लेकिन ये रखना कि वो थोड़ी बहुत फंकी, इतनी फंकी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा ही तंग करे. इस तरह गाइस अब ये एक मेरी एक शर्ट की एग्जांपल है, इसलिए उसको थोड़ा उसने इसी टाइप की फंकी सी शर्ट पहनी थी, वो कैरेक्टर बनता. इस तरह मैं कहता हूँ अपने ऑफिस में हर बार बोलता हूँ फंकी कपड़े डालो, फंकी कलर्स पहनो, हर चीज़ को यूनिक कपड़े पहनो ताकि आप थोड़ा सा थ्रू आउट अच्छे लगो. पर भैया वाली बात है ओवर ना करना, आराम से लो जैसे प्रो सकते. और खास तौर पर शेख की मुझे मजा बात ये लगी कि थोड़ा तो मुझे एक तो फंकी कपड़े पहने, बस यूनिक कपड़े पहने और ज़्यादातर बॉमर कपड़े पहने और एक ही टाइप के कपड़े पहने. मैंने ये बात सीखी शेख से, दूसरी जो चीज़ है मैं बहुत ज़रूरी ये चीज़ है, वो थ्रू आउट द मूवी एक ही टाइप के कपड़े पहने. उसने ज़्यादातर मूवी में कैजुअल कपड़े पहने और ज़्यादा बॉमर जैकेट्स पहनी, आप नोटिस करें ज़्यादा बॉमर जैकेट पहनी है. तो इसी तरह वो बोलो अपनी एक स्टाइल बना लो कि यार मैं स्ट्रीट वेयर पहनता हूँ या मैं क्लासिक कपड़े पहनता हूँ या मैं कैजुअल कपड़े पहनता हूँ. तो एक ज़्यादा कि तुम रिप्रेजेंट करो कि अच्छा मैं सेवा काम करता हूँ, मैं ये चीज़ हूँ, मैं ये कपड़े पहनता हूँ. और ऐसे तुम सस्ती मिलेंगे दुकानों में जाओगे बोलेंगे अच्छा मेरे दुकान फिर से आ रहा है. कोई भी टिप और लेदर जैकेट लोगों के साथ बोल सकते हैं गाइस. इसमें ना शुरू में जब एंट्री होती है, जैसे हमने ट्रेलर में भी देखा होगा, शुरू में जब हुमायूं सईदिया जो शहरी है उसकी एंट्री होती है तो उसने एक लेदर जैकेट पहनी होती है. बट कुछ देख रहे हैं आप होते हैं कि कितनी उसकी रगेड लुक होती है, कितना दाढ़ी और बाल अजीब से, लेकिन वो लेदर जैकेट फिर भी लेदर जैकेट कितनी कमाल की. गाइस लेदर जैकेट हर चीज़ को खटिया से खटिया आउटफिट को भी ना, अगर आपके पास अच्छी फिटेड लेदर जैकेट है ना तो उसको कम से कम 3 से 2 पॉइंट ऊपर पहुँचा देती है. अगर 7 है तो 10 पे पहुँचा देती है, अगर 3 है तो 6 पे पहुँचा देती है. पर गाइस एक चीज़ देखें कि लेदर जैकेट के साथ अगर मैं आपको एक टिप दूंगा कि लेदर जैकेट के साथ एक फुल ब्लैक मोनोक्रॉज आउटफिट बनाए, क्योंकि ब्लैक मोनोक्रॉज आउटफिट बनाना बहुत आसान है. मैं वो टिप दूँगा कि आप एक लेदर जैकेट आपके पास जो भी लेदर जैकेट है ना अगर ब्लैक है तो उसे एक मोनोक्रॉज आउटफिट बनाए और प्लीज़ उसकी तस्वीर खींच के हमें भेजें, क्योंकि उसको भी हम अपने अगले शो पे दिखाएंगे. और अगर आप ये आउटफिट बनाएं और नीचे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है उधर हमें DM करें तो हम जरूर इसको अपने लिए उसमें फीचर करेंगे. मोनोक्रॉज आउटफिट बनानी है ब्लैक कलर की लेदर जैकेट के साथ, स्वीट कैंडी और हमें भेजनी है. और जिस सबसे अच्छी आउटफिट होगी उसके लिए गिव अवे भी बहुत अच्छा, तो जरूर ये भेजिए. और वो जो गिव अवे है वो जो बहुत स्पेशल गिफ्ट है वो है एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर. सॉरी गाइस हम भी आपकी तक निकाले हमारे पास यही है देने के लिए. तो गाइस अगर ही हम सीखते हैं पीपी जो अहमद अली भट्ट साहब ने प्ले किया है, दिस जस्ट इन तेरे बिन मेरे दिन नहीं उलंग दे समझ आई एम बी द वन टू मेक यू सिंग पीछे पीछे आ मेरी जान व्हेन द आईना करी आई बाय शाइन व्हाट डू आई गॉट टू डू टू मेक यू माइन फ्रंक इट साइन आई ब्लो योर फ्रिकिंग माइंड लुक एट दैट बॉडी परफेक्टली अलाइन ओ जैसे कभी ना किसी ने तुझे किया हो रिफाइन अब प्यार करे बेबी फॉर यू. व्हाट कॉमेडी कैरेक्टर था उसे भी सीखते. अगर आप मेरी तरह उसकी तरह मतलब कैरेक्टर की तरह मोटे हैं मतलब काफ़ी, तो उसे मैंने एक सबसे स्पेशल चीज़ ये थी कि किस तरह कपड़े पहने जाते हैं. उस बंदे ने एक फिटिंग उस बंदे की मुझे बहुत कमाल की लगी, उसकी फिटिंग बहुत कमाल की थी. मोटे बंदे को परफेक्ट वैसे फिटिंग करके जब उस बंदे सूट पहना तब उसने अच्छी फिटिंग की, उस बंदे शलवार पहना तब उसने अच्छी फिटिंग की, जब उस बंदे ने बॉमर जैकेट पहनी लेदर जैकेट पहनी जींस पहनी. ज़्यादातर मोटे लोग जींस वगैरह नहीं पहनते शलवार भी पहनते. वो बंदा बहुत मतलब कि वेटेड इंसान है, उसने वो चीज़ पहनी एक अच्छे लुक के होते मॉडर्न कपड़े पहने, उसको उसने रोक किया है. मैं उस चीज़ को बोलूँगा बहुत अप्रिशिएट कि वो उसके थ्रू आउट आप बहुत अच्छे थे. आप मूवी देखें और अगर आप मोटे आए हैं तो आप जरूर उस बने का स्टाइल फॉलो करें, उस एक्टर का भी उस करेक्टर का भी बहुत कमाल का था. अच्छा गाइस अब आते हैं ग्रूमिंग टिप्स. हमने इस मूवी से ग्रूमिंग के बारे में क्या सीखा गाइस? जैसा आप जानते हैं इस मूवी के शुरू में जो लुक है शहरी की वो जंगली लुक है, मतलब अनग्रूम, ये दाढ़ी ये बाल. और फिर आप ट्रांजेक्शन देखते हैं कि जब वो एक ग्रूम बनता है तो ये आपको एक साफ एग्जांपल, हम ये साफ सीख देते हैं कि ग्रूमिंग एक इंसान को कितना चेंज कर सकता है. बात करें तो मैं लूंगा राहत की बात जो फहद मुस्तफा सर ने प्ले किया है. राहत की अगर आप बीएड देखें तो क्या एजिंग हुई हुई थी कमाल, बाकी सब की अच्छी हुई थी पर उसकी एजिंग बहुत कमाल की हुई थी और बड़ी मजेदार हुई थी. उससे बाद आपने देखो उसकी हेयर कट नहीं, वो जो ब्लेंड था ना वो मज़ा आ गया था देख के. आप वो देख के और वो बहुत कमाल की थी एजिंग, क्या करें बहुत अच्छी लगती है उनकी नेक हेयर, ये हेयर अच्छे किसी को नहीं लगते ये ना क्या करें.
और अगर दाढ़ी पे बात करें तो मैं थोड़ी सी पीपी की बात करना चाहूंगा जो अहमद अली भट्ट साहब ने किया, उनकी मैं थोड़ी सी गोटी बात करना चाहूँ। उन्होंने गोटी क्यों रखी हुई है, वजह ये पूछ रहे होंगे, सोचेंगे गोटी क्योंकि अब एक मोटा बंदा है, गोल उनकी फेस शेप है जैसे मेरी है, तो गोटी फेस शेप को स्ट्रक्चर देती है, उनकी शक्ल उनकी शक्ल स्ट्रक्चर लगती है, और सबसे बड़ी टीम अक्सर गोटी सिर्फ ऊँची और चिन लगती है, बट उनकी मेरा डबल चिन है, डबल चिन पर सिर्फ जब गोटी अपने किसी यहाँ तक क्यों डबल चिन आएगी तो अजीब लगता है कि हाँ शेप यहाँ बाल है यहाँ पर नहीं, तो अगर देखो गोटी यहाँ तक अपनी रखी हुई है ये बहुत अच्छी टीम पर बहुत अच्छी लगती है। अगर आपकी गोल्ड फेस शेप है तो जरूर गोटी रखें, मैं इसलिए नहीं रखता क्योंकि मुझे पर्सनली गोटी इतनी मजेदार नहीं लगती मेरे पे, बट वो राउंड फेस है वो इतना खोट रहा है कि मैं उसको सेक्सी लगता हूँ। गाइस इसी के साथ एंडिंग होती है इस वीडियो की, इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, मूवी बहुत कमाल की थी, इस वीडियो की तरह हमारी तरह मूवी बहुत मस्त थी, बहुत फनी थी, मज़ा आ गया देख के, मैं बोलूँगा जरूर देखने जाएँ, बहुत मज़ेदार मूवी थी, टिकट बुक कराएँ, खाएँ पिए इंजॉय करें। भाइयों अगर आपने मूवी देखी है तो प्लीज़ हमें बताएं नीचे कॉमेंट में, बताएं कि आपने उस मूवी से क्या सीखा, और गाइस अगर ये टिप्स आपके काम आए तो प्लीज़ हिट लाइक, अगर कोई भी टिप पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल चेक करें, हमारा फेसबुक हैंडल चेक करें, और ट्विटर पे तो ट्वीट अल्लाह हाफिज़।